नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं त्रिप्रसाद टेक्निकल जिसरो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों वीवो की IQ सीरीज जहां पर कंपनी आप लोगों को काफी बेहतरीन फीचर्स से लैस काफी कम प्राइस के साथ एंड्रॉइड स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती है। दोस्तों इसी सीरीज के अंतर्गत कंपनी ने आज दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन को किया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने IQ U3X रखा। यह इससे पहले लॉन्च IQ U3 के सक्सेसर मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में हालांकि उपलब्ध करवा चुकी है और इसकी सेल भी लगने वाली है और इसको कंपनी ने ब्लू और व्हाइट कलर साथ उपलब्ध करवाया है। तो इस वीडियो में हम इसी IQ U3X 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं और क्या यह वाकई में दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है, इस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस IQ U3X के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। यहां पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है, जिसके साथ कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरा, LED फ्लैश की सुविधा और बॉटम पर कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के पावर बटन के साथ आपको लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन के डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 86% का है और स्मार्टफोन देखने में काफी हद तक IQ U3 जैसा ही लगता है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.58 इंच की FHD+ IPS LCD डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल का है। 20:9 इसमें आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ इसमें आप लोगों को 90Hz का रिफ्रेश रेट भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग कंपनी उपलब्ध करवा रही है और मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी रहने वाली है एक कम प्राइस के 5G स्मार्टफोन के तौर पर। अगर बात करते हैं इसके CPU के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक एंट्री लेवल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है। यह 4 सीरीज का प्रोसेसर है और इसका नाम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480SoC है। यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर, जिसके साथ आप लोगों को GPU देखने को मिल जाता है एड्रेनो का 619। 8 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया प्रोसेसर है। 5G कनेक्टिविटी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे और छोटे मोटे गेम भी आप लोग प्ले कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है। अगर बात करते इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। और अभी जो जानकारियां सामने निकल कर आई है, तो कहूं जिस स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ कंपनी ने इसको किया है लॉन्च, वहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं इस IQ U3X के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप कंपनी उपलब्ध करवा रही है। जो पहला और मेन सेंसर है वो 13MP का है, जिसके साथ आप लोगों को 2MP का डेप्थ सेंसर कंपनी दे रही है LED फ्लैश के साथ। इसके अलावा सेल्फी और कॉलिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को सिंगल 8MP का कैमरा उपलब्ध करवा रही है। हालांकि इन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरमा स्लो मोशन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन फीचर हैं। और इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफी नॉर्मल रहने वाला है। लेकिन अब इसकी प्राइस क्या कंपनी रखती है भारतीय मार्केट में ऑफिशियल तौर पर जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। अगर बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000mAh की एक बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जो इस स्मार्टफोन को पावर उपलब्ध करवाने वाली है, जिसमें आप लोगों को 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रोएसबी टाइप सी उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा बैटरी बैकअप इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को 5G डुअल 4G वाईफाई GPS FM रेडियो 3.5 एमआईडी जैक ब्लूटूथ 5.0 जैसे अन्य ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो एक सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि कंपनी इसको ग्लोबल मार्केट में कर चुकी है लॉन्च और इसकी जो कीमत कंपनी ने रखी है, अगर उस करेंसी को भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में मात्र 10 से 11 हजार रुपए के आसपास होने वाली है। और दोस्तों अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो वाकई में ये काफी सस्ता और भारत में तो सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होने वाला है। लेकिन इसकी भारतीय मार्केट में ऑफिशियल लॉन्चिंग के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ रूमर्स का कहना है कि अप्रैल के लास्ट तक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस दुनिया के सबसे सस्ते 5G स्मार्टफोन IQ U3X के फीचर्स को लेकर, या इसकी क्या कीमत होनी चाहिए भारतीय मार्केट में? कुछ भी दिल में विचार हो कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।